तो फेल गेम फैमिली, क्योंकि आजकल पॉली यानी कि पॉल हेमन 2K22 के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आज वो टीम अप करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ और फेस करेंगे टैग टीम मैच में WWE के इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम एवर, जो है डी जनरेशन एक्स यानी कि ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स की टीम को टैग टीम लैडर मैच में। तो चलो भाई आज के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉली आज भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और रोमन के साथ मिलकर वो टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हैं या नहीं। और जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है, फेल गेम फैमिली फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और अगर आप फेल गेम फैमिली के मेंबर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ दबा लो। लैडर मैच है यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि बॉल गेम को 8 बार कंप्लीट करना है। बेल्ट ऊपर लटका हुआ है, रोमन और पॉली बहुत ही भारी पड़ रहे हैं DX के ऊपर। शुरुआत रोमन और पॉली ने अच्छी की, रोमन कुछ ज्यादा ही जल्दी में लैडर आ भी गया, अभी मतलब 10 सेकंड नहीं हुआ है मैच स्टार्ट होकर। पॉली पिट रहे, पॉली अकेले पकड़ा गया है। ट्रिपल एच वर्सेस पॉली, DX ने मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। लैडर लेकिन रिंग के अंदर आ चुका है भाई, ये मैच लग रहा है कि बहुत जल्दी खत्म होगा। चाहे तो ये 1 घंटा भी मैच चल सकता है अगर कोई बेल्ट नहीं तोड़े तो, नहीं तो फिर 2-3 मिनट में भी मैच खत्म हो सकता है अगर बेल्ट तोड़ दिया तो। इस मैच में हर 2 सेकंड में मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। रोमन और पॉली फिर से भारी पड़ने लगे हैं और फिनिशर लगा दिया पॉली ने, सबसे पहला फिनिशर। 3-3 असली रस्तर और एक मैनेजर, लेकिन सबसे पहले फिनिशर किसने लगाया? पॉली ने दूसरा फिनिशर भी लगा दिया। कसम से भाई ये डेंजरस आदमी है। ट्रिपल एच की पूरी हेल्थ खत्म और रोमन ने तो फिनिशर भी नहीं लगाया है। लैडर सेट करके अकेले जा रहे हैं भाई काम करने। भाई भाई भाई, अरे अरे रोमन को नहीं मारना, ये क्या कर रहे पॉली? पॉली को याद है ना, रोमन टीममेट है पॉली। मुझे लगता है कि पॉली मैन भावनाओं में बह चुके हैं। बेल्ट थोड़ा दूर नजर आ रहा है, नीचे आना पड़ा पॉली को। एक्सपीरियंस की कमी, क्योंकि है तो मैनेजर ना, लेकिन क्या खेल रहे भाई, क्या खेल रहे पॉली। फिर ऊपर गए लेकिन बेल्ट थोड़ा दूर है अभी भी। पॉली ऊपर जाके ओके बेल्ट पकड़ लिया, बेल्ट पकड़ लिया, सबसे पहले बेल्ट पकड़ा है पॉली ने। लेकिन बॉल गेम में कैसे है पॉली, 8 बार कंप्लीट करता है, 1 बार कंप्लीट कर दिया, इतनी जल्दी 2 बार कंप्लीट हो चुका है, 3 बार होने जा रहा है, 3 बार। ट्रिपल एच ऊपर आ चुके हैं, ट्रिपल एच ऊपर आ गए भाई। पॉली ने भाई साहब मतलब कांड करके रखा हुआ इस मैच में। ट्रिपल एच ने फिनिशर दे दिया, पॉली का भाई टाटा हो गया, टाटा लंबे टाइम के लिए। और रोमन भी गिर चुके हैं। ट्रिपल एच चाहे तो अभी जीत सकते हैं ये मैच, ट्रिपल एच जीतने जा रहे हैं। रोमन भी गिरे हैं भाई, रोमन भी रोकने नहीं आ पाएंगे। शॉन माइकल ने रोक के, अरे ट्रिपल एच को इतना गुस्सा था ना कि बेल्ट छोड़ के पॉली के ऊपर कूद गया ट्रिपल एच। ये गुस्सा, पॉली को पहले मारेंगे ट्रिपल एच, हाँ उसके बाद जाएंगे भाई वो ऊपर। ट्रिपल एच ने बोला तेल लेने गया बेल्ट, पहले इस छोटू मोटू को मारो। ट्रिपल एच ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, पॉली को बस होश आने वाला है भाई, कभी भी होश आ सकता है, अब होश आ जाएगा। स्टंट मीटर खत्म हो गया ना। रोमन कितना पिट रहे हैं नीचे भाई, रोमन बहुत देर से पिटे जा रहे हैं, पॉली की मदद करने भी नहीं जा पा रहे। लैडर बीचों बीच सेट हो चुका है। इस मैच में दोनों ही टीम बहुत ज्यादा जल्दी में है मैच खत्म करने को, बहुत अच्छी बात है। इस बारी पॉली ने डॉच कर दिया फाइनली और पॉली का एक ही टारगेट है ऊपर। दो दो ऊपर चढ़ गए, फिर से नीचे कौन जाएगा? ट्रिपल एच लग रहा है कि नीचे जाने वाले हैं। ट्रिपल एच नीचे चले गए भाई, ट्रिपल एच नीचे जा चुके हैं। पॉली के हाथ में एक बार फिर से बेल्ट, 2 बार कंप्लीट पॉली ने किया है सिर्फ, तीसरे बार कंप्लीट, 3 बार हो गया है, 5 बार और बचा हुआ है। पॉली का भाई वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, लैडर ही निकल गया नीचे से। रोमन और HBK रिंग के नीचे बिजी हैं, लेकिन लैडर लगा के बेल्ट तोड़ना इस मैच में ज्यादा जरूरी है। रोमन आ रहे अपने वाइस मैन की मदद करने, ट्रिपल एच को मारने, नहीं रोमन वापस चले गए। रोमन ने देख लिया कि शॉन माइकल्स को होश आ चुका है, पॉली को ऐसे भी जरूरत नहीं है। अकेले देख लो भाई उड़ के मार रहे, आई थिंक पेडिग्री देने जा रहे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है पेडिग्री देने जा रहे थे, रिवर्स कर दिया, पेडिग्री देने जा रहे भाई। पॉली के पास मूव टिप भी है। रोमन भी फाइनली रिंग के अंदर आ चुके हैं। शॉन माइकल्स वर्सेस पॉली भी एक बार होना चाहिए। शॉन माइकल्स आप पॉली की तरफ जाओ ना, मुझे देखना है शॉन माइकल्स के साथ पॉली क्या करते हैं। ओ भाई पॉली को देखा, दोनों एक साथ घुसे चला रहे थे DX के लोग, पॉलीमैन पीछे हट गए थे भाई, 2 सेकंड पीछे करके देखो चालू पॉलीमैन। शॉन माइकल्स के भी मूव रिवर्स कर रहे, लैडर अटक चुका है, नया लैडर लाना होगा। ऐसी जगह पे है ना जहां से उठेगा नहीं लैडर, नीचे ही जाना। हाँ चलो अच्छा हुआ नीचे चला गया लैडर।
रोमन के साथ अब 2-on-1 होगा। पॉलमैन को इतनी जल्दी कैसे होश आ गया भाई, क्या आदमी है यार ये पॉली। स्टंडो के नीचे गए थे ना भाई, पता नहीं ये क्या है। नीचे ट्रिपल एच एक बार में नीचे फेंक दिया है, और इधर शॉन माइकल्स भी डाउन। ट्रिपल एच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लैडर लेके आओ सर, लैडर लेके आओ, नहीं तो मैच खत्म नहीं होगा। पॉली को भी होश आने वाला है। कोई तो हाँ पॉलमैन दिमाग वाले आदमी भाई, लैडर लेके आ रहे हैं, क्योंकि मार खाने से और मारने से इस मैच में कोई फायदा है नहीं जब तक बेल्ट नहीं तोड़ लो। लेते हो हाँ, लैडर सेट हो जाए। रोमन नीचे जा रहे हैं, स्टंड हो चुके हैं रोमन। पॉली के साथ 2-on-1 हो सकते हैं अभी कांड। ट्रिपल एच तो गिर गए, ट्रिपल एच भी स्टंड, और अब पॉली भी डाउन हो चुके हैं। शॉन माइकल्स अपनी टीम को जिता सकते हैं, ट्रिपल एच नीचे नहीं गए। ट्रिपल एच की किस्मत अच्छी, ट्रिपल एच जीतने वाले हैं ये मैच। पॉली का हो गया भाई, काम हो गया। ट्रिपल एच अपनी टीम को जिताने वाले, रोमन स्टंड है, एक बार भी कंप्लीट नहीं किया। ट्रिपल एच बॉल गेम में बहुत खराब है। 5 हो गया, 3 बार और, सिर्फ 3 बार और। पॉली आ गया, वरना ट्रिपल एच अभी जीत जाती है मैच। 2 बार और कंप्लीट करना था भाई शॉन माइकल्स। पॉली ने बचा लिया ये मैच को, लेकिन अभी भी बचा नहीं है। ट्रिपल एच सिर्फ 2 बार, 1 बार और कंप्लीट करना था भाई। पॉली और रोमन एक एक सेकंड से बचाया पॉली और रोमन ने। अगर पॉली पहले नहीं नहाते तो ट्रिपल एच पहले ही तोड़ लेते, और रोमन अगर लास्ट सेकंड में लैडर नहीं गिराते, ऊपर जाने की भी कोशिश करते ना रोमन, तो ये मैच खत्म था। रोमन ने लैडर गिरा दिया, स्पीयर लेकिन लगा नहीं अच्छे से, पर ट्रिपल एच स्टंड हो चुके हैं। एक और स्पीयर, ओ भाई अब तो रोमन का मैच है, अगर शॉन माइकल्स बचाने नहीं आए तो। शॉन माइकल्स नीचे बिजी हो गए, एचबीके ने ना कोई लंबा शॉट लगा दिया, ओ भाई मैच खत्म, मैच खत्म। एचबीके सबमिशन देने में बिजी हो गए हैं, और रोमन जिताने वाले अपनी टीम को। पॉली और रोमन की भाई जबरदस्त जबरा जोड़ी थी, मैं तो बोलता हूँ टैग टीम टूर्नामेंट में दोनों को उतारना चाहिए और देखना चाहिए कैसे परफॉर्म करते हैं। हारा हुआ मैच था भाई ये, ट्रिपल एच जीत गए थे ऑलमोस्ट। पॉली आए उसके बाद फिर बैक टू बैक रोमन भी आ गए, खतरनाक परफॉर्म किया है, मतलब बेस्ट था मुझे अभी तक का बेस्ट टैग टीम लैडर मैच लगा है ये। हार को जीत में बदला इन दोनों ने। तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, और आप लोग कमेंट करके नए वीडियोस के बारे में सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और ना नॉर्मल मैच मत बोलना, रोमन वर्सेस बटिस्टा, ये वर्सेस वो, ऐसा नहीं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए आइडिया उसमें, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, सेफ रहो, और जाने से पहले भाई जिसने लाइक नहीं किया एकदम फटाफट कर लेना, नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, फील योर फैमिली, अच्छे से रहना और किसी को तंग मत करना। चलो सेफ रहो, अच्छे से रहो, टाटा बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।